Please discuss about how to maintain consistency during these months. It will help us to improve in examination. Most of students are facing this type of problem. बिल्कुल सही बात बेटा के आदिल शेफी ने जो बात कही है एकदम परफेक्ट बात कही उन्होंने कि इस समय हम अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें और कैसे हम अपने एग्जाम में इंप्रूवमेंट लेकर आए और बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसीलिए बहुत सारे बच्चे निकल नहीं पाते. रिमेंबर दैट दिस इज द टाइम जब लोग पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते फिसलना शुरू करते हैं. आपने कभी देखा एक पहाड़ की चोटी होती है, यदि मैं आपसे बोलूं कि एक जो है वो कोई पहाड़ है तो वो पहाड़ में यदि आप जाएंगे तो मैं काम करता हूं अपने आप को छोटा करता हूं. ये पहाड़ है, पहाड़ में आप जब यहां चढ़ेंगे यहां पहुंचेंगे आप चढ़ते चढ़ते आप आगे जाएंगे वैसे वैसे उसकी ढाल बढ़ती चली जाएगी और आपका आपको ऊंचाई पर पहुंचकर फिसलने का डर अधिक लगेगा. ऊंचाई पर पहुंचकर फिसलने का डर अधिक लगेगा. ये हो गया है जून का महीना, ये हो गया है अगस्त का महीना, ये हो गया है अक्टूबर का महीना और ये हो गया है दिसंबर का महीना और ये एग्जाम मंथ. ठीक है, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे फिसलन होगी, आपकी जो है वो शार्पनेस बढ़ेगी और वहां से बच्चे पीछे होने लगेंगे और ये फैक्ट है. देखो बेटा मैं स्टैटिस्टिक्स में बात करता हूं, मैं फैक्चुअल बात करता हूं और ये सच्चाई है कि आप जून में जिस जोश में आप होते हैं उस जोश में बहुत सारे, मुझे किसी ने बड़ा अच्छा सेशन दिया एक जो है हम चूंकि हम लोग तो आपके कोर्स लॉन्च करते हैं जून में, तो मुझे किसी मेरी टीम के मेंबर ने कहा कि सर सारे बच्चों से जून में ही फीस ले लिया करो पूरी, कोई ईएमआई वगैरह मत करो. हमने पूछा क्यों, बोला जून में बच्चे जोश में होते हैं, सारे बच्चे फीस भर के फटाफट अंदर आ जाएंगे एक बार में और एकदम जोश में होंगे, लेकिन जब अक्टूबर नवंबर पहुंचेंगे तो जोश ठंडा पड़ जाएगा तो वो ईएमआई नहीं भरेंगे, बाकी चले जाएंगे छोड़ के वो फीस को, नुकसान हो जाएगा. मैंने कहा नहीं यार वो तो मतलब वो भावनाओं को जो है इनकेश करना वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, जो चल रहा सिस्टम वैसा रखो उसको. तुम बस सोचो तुम के है ना, जब लगेगा कि भैया कि अपन नहीं कर पा रहे तो दो पांच दस एम्प्लॉय के हाथ जोड़ लेंगे भैया कि हम तुमको अफोर्ड नहीं कर पा रहे कहीं और चले जाओ. ठीक है, लेकिन अभी अपन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे. तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे हम एक बार. ठीक है, लेकिन अब वॉट एवर द रीजन, खैर हम लोगों के भी आपस में बात होती रहती है कि भाई कैसे करना चाहिए कैसे और अच्छा करना चाहिए. हमारी टीम सोचती है कंपनी के बारे में, हम सोचते हैं बच्चों के बारे में. ठीक है, सब अपने अपने तरीके से काम करें, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है. ठीक है, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि यार मैं ऐसा होता तो मैं क्या करता, तो मैं उसको तो वही कि जून के महीने में जोश का जो लेवल होता है ना वो लेवल आपका दिसंबर में मेंटेन नहीं रहता, क्योंकि आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ चुके. इतना जून में कोई बैकलॉग नहीं था, दिसंबर तक बैकलॉग का थैला लेके घूम रहे हैं, जो मिला उसके ऊपर दो बैकलॉग उठा के मार दिए, ले बेटा तू भी ले बैकलॉग की कहानी सुन हमारी. तो बैकलॉग लग गया, समझ नहीं आ रहा है, टेस्ट में परफॉर्मेंस बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, गाली बक रहे हैं कि सर को कि अरे यार बहुत ज्यादा इतना लंबा टफ शेड्यूल देते हैं ये लोग, इनको कोई मतलब ही नहीं है इनको. अरे मतलब है तब तो पढ़ा रहे इतना सारा भाई, यदि मतलब ना होता तो मुझे मनोरंजन ना करते तुम्हारा हम. ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन आदिल सैफी ने किया है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है. इन महीनों में आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें ये समझ ले बेटा. बहुत सारा कंपटीशन कम हो रहा है इस महीनों में, बहुत सारे लोग लिस्ट के बाहर हो रहे हैं इन महीनों में, और यदि तू भी उनमें शामिल है तो मत पढ़, तू भी उसमें शामिल है बेटा तो मत पढ़, और तू उसमें शामिल नहीं है तो पढ़, क्योंकि जाहिर सी बात है पहाड़ पर ऊंचाई पर पहुंचने पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, फिसलने का खतरा अधिक है और एक बार आप जो है उस ऊंचाई पर पहुंच गए वहां पे तो झंडा कौन लगाएगा ऊपर, आप लगाएंगे. क्लियर, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि मनोज एंजिल ने कहा मेरा नाम लो. अरे भाई तुम्हारा नाम हम लेंगे लेकिन तुम सिलेक्ट होकर दिखाओ, ऐसे नाम लेने का क्या फायदा बताओ. ठीक है, डॉक्टर मनोज एंजिल बोलेंगे तो मजा आएगा सुन के तुम्हारा, है ना. ठीक है, तो चलिए अभी कहने का मतलब यह है कि इस समय बेटा बहुत सारे बच्चे जो है वो बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर भी होता है, बहुत सारे बच्चे नीचे ड्रैग होना शुरू होते हैं, ऐसे में जिन बच्चों ने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया होता है वो आगे निकल जाते हैं. अब कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे रखें, सिर्फ इतना देखिए कि एक दिन एग्जाम का होगा, मान लो मई का महीना हमने टारगेट किया एग्जाम का मंथ है, तो हमको यह सोचना है कि भाई देखो यदि हमने अभी नहीं किया ना तो हमको एक साल और पढ़ना पड़ेगा. हमारे ऊपर जो है कि हम क्या घर के टेबल कुर्सी पर या कोचिंग के टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़े या मेडिकल कॉलेज के में जाकर पढ़े, हमके हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इन दिनों में अगली बार हम जो है वो गीतन सर को फोन करके ये पूछ रहे हो कि सर काउंसलिंग नहीं हो रही है, बोर हो रहे हैं और बताओ ना कोई किताब पढ़ने के लिए, तो सर मैं आपको बताऊंगा कि बेटा सेपियंस पढ़ लो, एल्केमिस्ट पढ़ लो, अच्छी किताबें पढ़ लो, मैं सजेस्ट करूंगा. ऐसे फोन कॉल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे बोलते हैं सर हम निकल गए, मदर फादर बोलते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, कौन सा कॉलेज ले लें, बड़े अच्छे लगते हैं. तो वो दिन जो होते हैं ना सपने वाले दिन है ना, वो अपने तभी हो सकते हैं जब अभी हम समर्पण कर दें, अभी हम पढ़ लें. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक ही तरीका, आप दिन तारीख मत सोचिए, आप आगे पीछे मत सोचिए, बिहेव लाइक ए मशीन, एक मशीन के समान व्यवहार कीजिए. मशीन के पास जो है वो इमोशंस नहीं होते हैं, हमारी सारी लड़ाई में जो हम पीछे हटते हैं ना, जहां पर हमें बैक आना पड़ता है वहां पर इमोशंस बड़ा रोल प्ले करते हैं. और प्लीज इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए. मैं इमोशंस की बहुत कद्र करता हूं लेकिन इमोशन की कद्र करने का तभी मायना है बेटा
जब आप उन इमोशंस के लिए कुछ कर सके। आप आज हम कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, आप आपको अपना अपना खुद का वजूद तलाशना है, आपको अपनी पहचान ढूंढनी है, इसलिए यह संघर्ष है, पहचानों का संघर्ष है। तुमको लगता है तुम्हारा नाम मनोज है, तुम्हारा नाम जो है वो जो है महीन है, धर्मेंद्र है, कुमार हर्ष है, व्हाटएवर यूर नेम, लेकिन बेटा इस नाम के आगे जब डॉक्टर लगेगा ना तो इसका वजन बढ़ जाएगा, इसका वेटेज बढ़ जाएगा। सारी लड़ाई उस चीज की है बेटा, अस्तित्व की लड़ाई है, खोज की लड़ाई है। इसलिए अपने आप को खोजने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रखिए, ऊपर सोचिए कि यार वहां पहुंचना है, तो आज ढीले नहीं पड़ते आज, क्योंकि कोई बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, हमेशा नहीं करना। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा, और मैंने वही कहा ना, मेनी स्टूडेंट फेसिंग दिस प्रॉब्लम, इसीलिए मेनी स्टूडेंट निकलते भी नहीं है। तुमको अपने आप को साइकिल, देखो इसमें कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। यदि मैं बोलूं कि मैं कोई टेबलेट या कैप्सूल दे दूंगा कि इसको पड़ेगा तो बेटा ये बैकलॉग निकल जाए, ये गोली है दो खा लेगा तो सुबह, दो शाम खा लेगा तो तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का बैकलॉग सुबह के डोज में निकल जाएगा, बॉटनी जो लेगा शाम के डोज में बैकलॉग पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। ये सारी लड़ाई वक्त की है और वक्त से लड़ाई है, वक्त की लड़ाई है, वक्त से लड़ाई है। क्योंकि मैंने एक बार कहा था आपसे, वक्त या तो बदल जाता है या फिर गुजर जाता है, तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर गुंजन चौधरी ने हमसे क्वेश्चन किया है, सर एज वी कैन सी वी हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी, प्लीज टेक स्पेशल लेक्चर्स वेयर अमर सर एंड संजय सर कैन एक्सप्लेन अस द सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी एंड आल्सो सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज व्हिच इज फॉर नीट लेवल सर, बिकॉज वी डोंट गेट टाइम टू सी एनसीईआरटी बट इट विल बी इन लेक्चर फ्रॉम देन इट विल बी ओके। तो बेटा ऑलरेडी अमर सर, संजय सर ऑलरेडी एनसीईआरटी के बहुत सारे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंटेंट को वो अपने लेक्चर्स में लेते हैं। अमर सर एमसीक्यू सीरीज लाइव ले रहे हैं यूट्यूब चैनल पर ही फ्री, मैंने वो पहले ऐप पर लेने वाले थे लेकिन मैंने कहा नहीं यूट्यूब पर ही लो ताकि सारे बच्चों को फायदा मिल सके उसका। तो अमर सर आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं उसमें, तो मैं उनको और बोल दूंगा कि वो एनसीईआरटी के पेज का रेफरेंस दे दे कि कहां से क्वेश्चन लिया। हालांकि मेरी जावेद सर और अमर सर से इस बारे में बात हुआ था तो उन्होंने मुझे बोला कि सर एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज नीट वालों के काम के नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक कॉमन है मैथ्स के बच्चे के लिए भी और बायोलॉजी के बच्चे के लिए भी। तो जो 11th का और 12th का जो फिजिक्स है एनसीईआरटी का वो आईआईटी के बच्चे के लिए भी सेम है वो, और नीट वाले बच्चे के लिए भी सेम है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एडवांस लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आईआईटी के लिए स्पेसिफिक है, उन क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं नीट के लिए। तो मैंने कहा कि भाई टीचर्स जबकि अनुभव, मैंने जावेद सर को बहुत अनुभव है पढ़ाने का, अमर सर को कई साल हो गए पढ़ाते हुए, तो अनुभवी टीचर है बेटा, तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा उनको। लेकिन मैं आपकी बात सर तक पहुंचा दूंगा और ये बात मैं संजय सर को भी बोलूंगा, चिन्मय सर को भी मैंने ये बात बोला हुआ है। आपको बता दूं बायोमेंटर्स ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे सारे टीचर मिलकर एक पर्टिकुलर बैच के लिए काम कर रहे हैं, सारे टीचर मिलकर जो है वो टारगेट बैच, फोकस बैच, जो टारगेट बैच का काम है वही फोकस बैच को मिलता है। सारे टीचर इन चीजों का ध्यान रखे हुए हैं, तो मेरा हर बच्चा जो है वो एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो बेटा चिंता मत करो, आपके नोट्स के अंदर, आपके बुकलेट्स के अंदर, आपके डीपीएस के अंदर, आपके टेस्ट के अंदर एनसीईआरटी शामिल है इसमें। अब ये है कि वर्ड टू वर्ड से बायोलॉजी में होता है, वैसे फिजिक्स में नहीं कर सकते आप, देखोगे तो फिजिक्स में पॉसिबल ही नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को क्लास में लेने लगे आप, क्योंकि फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, यहां पर पूरा का पूरा जो है वो चीजें अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट का ज्यादा मायना है, ठीक है, बजाय सीधी थ्योरी के। बायोलॉजी में सीधी थ्योरी का भी मायना इसलिए लिया जाता है। केमिस्ट्री में सर जो ऐसे मैंने बोला है कि सर आप बच्चों को बताना शुरू कर दीजिए कि भाई ये इंसेक्ट में यहां लिखा हुआ है, मैं ये मैसेज सर तक पहुंचा दूंगा आपका। ये मैं मान रहा हूं कि यहां पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है टीचर के और बच्चों के बीच में, ये मैं इंश्योर करता हूं कि मैं अपने टीचर्स को बोलूंगा, मैं इस कमी को स्वीकार करता हूं।